ग्वालियर के गोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड फौजी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाले अमृत लाल त्यागी लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि मृतक के पास से सुसाइड नोट और आत्महत्या में इस्तेमाल किए गया हथियार मिला है, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। गोलक मंदिर स्थित नायन विहार कॉलोनी में फरियादी द्वारा लगभग अर्ली इन द मॉर्निंग आकर रिपोर्ट की थी कि लगभग रात्रि के 12:15 बजे करीब रात में उनके ऊपर घर से गोली चलने की आवाज आई। तो जब कल गए तो उनके देखा कि उनके जो पिताजी हैं जो कि सेवानिवृत्त आर्मी के हैं और उनके द्वारा लाइसेंसी बंदूक से सेम को गोली मार ली गई और इस पर उनके द्वारा रिपोर्ट की गई। इस आधार पर थाना गोलक मंदिर में मर्द कायम कर लिया गया है। इसमें जो एक सुसाइडल नोट भी मिला है और पुत्र के द्वारा ये बताया गया है कि उनके पिताजी लगभग 10-12 सालों से पेट की बीमारी से काफी परेशान रहते थे और इस कारण उनके द्वारा ये सुसाइड किया गया है।